बाबूशाही देख रहे सारयां दा स्वागत है। दिवाली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक आ चुका है तो लोगों के इस बार दिवाली नूं लैके उत्सुकता भी काफ़ी देखने नूं मिल रही है, क्योंकि पिछले साल की जिहड़ी दिवाली सीगी उह करोना महामारी की भेट चढ़ गई सीगी। अज दिवाली दे मौके क्योंकि दीवे है जिहड़े दीवे का बड़ा एक इंपोर्टेंट है जिहड़ा उह प्लेस हुंदा इस फैसटिवल दे विच, अज असी चंडीगढ़ के सैक्टर 45 स्थित गऊशाला गौरी शंकर सेवा दल गऊशाला उत्थे पहुंचे हैं, जिथे हर साल दिवाली के मौके खास तरह के गोबर के जिहड़े दीवे ने उह तैयार किए जाते हैं तो फिर लोगों के विच मुफ्त वंडे जाते हैं। लोग दूरों दूरों चंडीगढ़ के मोहाली और पंचकूला के जिहड़े लोग ने दूरों दूरों इन दीव्या लैके जाते हैं अपने घर यही जिहड़े दीवे ने उह दिवाली के मौके जगाते ने। सो की इन्हों का प्रोसैस हुंदा, की इन्हों का महत्ता इन्हों की की हुंदी है, सो सारिया चीज़ों बारे गलबात करके थोनू जरूर ये दसन की कोशिश करांगे अज की किवें दीवे बनते ने किन्ना चीज़ों के बनते ने ते सिर्फ एक दिवाली दे उत्ते रोशनी करन दे अलावा होर इन्हों का की जिहड़ा जिहड़ा योगदान हुंदा या कह लिए कि होर किवें किवें फायदा दिंदे ने आम लोगों नू। सो सारिया जिहड़ियां गल्लां बातें वो असी हुण कल गऊशाला दे जिहड़े चेयरमैन ने या वाइस प्रेजिडेंट ने प्रेजिडेंट ने सारे दे नाल गलबात करके थोनू जरूर दिखावांगे, तस्वीरां दे राही दिखाउण दी थोनू कोशिश करांगे की खास है इन्हां गोबर दियां दीवियां दे विच। हुण गलबात कर लैंदे आ जिहड़े गौरी शंकर सेवा दल गऊशाला दे चेयरमैन ने प्रेजिडेंट ने ते वाइस प्रेजिडेंट ने जो हर साल दिवाली दे मौके ये जिहड़े खास तरह के दीवे ने उह बनवाउंदे ने ते लोकां नूं दिंदे ने ते इन्हां दी इंपोर्टेंस आ जिहड़ी उहदे बारे भी जानन की कोशिश करांगे। सब तो पहलां चेयरमैन साहब ने साडे नाल सुमित जी ने गलबात करांगे। सुमित जी जिहड़े दीवे ने पहला तो दसो कि खास है गोबर के बनाए जाते हैं, लोग दूरों दूरों इतों लैन आ रहे हैं, की खास है जी, इंपोर्टेंस की है? नमस्कार जी, सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। जैसे कि आपने अभी ये पूछा है कि इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है गोबर में लक्ष्मी का वास रहता है और दिवाली पे लक्ष्मी माता की हम पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, माता सरस्वती की पूजा करते हैं। जैसे कि ये हमारे दीपक हैं, हम इनको जब जलाते हैं तो ये दो तरह का काम करते हैं, एक तो ये दीपक बन के जल जाता है, उसके बाद ये भी सारा जल जाता है तो ये उसके बाद हवन का काम करता है। तो जैसे ये हवन का काम करेगा तो आपके घर में जो भी मच्छर मक्खी कुछ भी रहता है और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है उसमें आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और मच्छर मक्खी को ये ख़त्म कर देता है। और इसी मौके पर इसी जैसे अभी दौर में काफ़ी डेंगू चल रहा है तो जो डेंगू का जो मच्छर है वो इसके धुएँ से भाग जाता है, आपके घर से आपके घर पर नहीं रहेगा। और जैसे ही आप इसको जलाओगे तो आपके मन में एक वैसी शांति मिलेगी कि हमने जो दीपक जलाया है, ये दीपक हम जला रहे हैं अपने घर पे शुद्धि के लिए, तो आपके हवन का काम करेगा। ये भी दसो तुसी हर साल लोग लैन आते हैं तो लोग सब तो वध की चीज़ जी पसंद करते हैं ये विच, ते नाल थोड़ा प्रोसैस भी दसो कि शुरू तो किवें बनते हैं, कितने टाइम का प्रोसैस हुंदा इसका? जैसे कि इसका जो प्रोसैस है जैसे आपने पूछा है
जैसे आप मिट्टी का दीपक बनाते हैं, उसमें आपका वो बनाने में और उसको तपाने में और उसको आगे सेल करने में एक हफ्ते का समय लग जाता है, और आज की डेट में हमारे पास मिट्टी की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है। जो ये गोबर का दीपक है, आपने ताज़ा गाय का गोबर ले लेना, और जिस इसको हम विद इन 2 मिनट के अंदर तैयार कर देते हैं अपने जो हमारे इसके साथ के जो सामान है, जैसे कटोरी होती है हमारे घर में, छोटी सी प्लास्टिक की बोतल मिल जाएगी, और इसका बनाने का प्रोसेस भी आपको आप अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाई रहे हो, तो इसका जो बनाने का प्रोसेस है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है। और गाय के शुद्ध गोबर में हमने जो हवन सामग्री डाली है, जैसे जटामासी, लोवान, पीली सरसों, गूगल, जो आपके घर में सुख शांति का प्रतीक रहती है और आपके घर में पूरा पॉजिटिविटी रहती है, और ये सारे के सारा ही जल जाता है। ठीक है जी। सो हुण प्रेजिडेंट साहब ने गऊशाला दे उहनां नाल गलबात करदे आ, थोड़ी जिही होर जानकारी लवांगे। तुसीं दसो जी, की नाम है? रमेश शर्मा। रमेश शर्मा जी, तुसीं दसो जिवें कि दस रहे सीगे कि खास तरह के दीवे ने, किन्नी जिहड़ी हैगी है लागत रहिंदी है पूरे दिन दी? अजकल क्योंकि सीज़न हुण दिवाली बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, किन्ने बणदे ने हर रोज़ दे, ते किन्नी कि जिहड़ी गिणती दे विच लोक इहनां नूं लै जांदे ने हर दिन दे हिसाब नाल? पहले सारिआं नूं धनतेरस और दिवाली दीआं बहुत बहुत वधाइयां। परमात्मा करे सब दे घर दे विच सुख समृद्धि प्रदान करे। असीं इह लगभग 800 तो 1000 दीवे रोज़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार लोग रोज़ नाल नाल लैके जा रहे हैं, तो हुण दिवाली तक लगातार जिन्हें भी श्रद्धालु या जिन्हों भी पता लग रहा है जड़ा भी इस लिजा इच्छुक है, वह इतों रोज़ आके लैके जा रहा है, क्योंकि ये असी हर साल बनाने और हर साल बनते हैं। लगभग शहर के सारे बंदों को पता है कि ये दीवे उत्थे बनाते हैं, तो उन्होंने इन्हों का लाभ मिलता है, क्योंकि साढ़े शास्त्रां च भी इहदा बहुत महत्व है। इस करके सारे लोग उरों रोज़ रैगूलर लैके जा रहे हैं, और दिवाली तक असीं इन्हां नूं रैगूलर देंदे रहांगे जी। जिहड़े नॉर्मली यूज़ करते हैं लोग घरां दे विच मिट्टी दे दीवे हुंदे ने, उहनां दे नालों किवें इह खास किवें ने? सब तो पहला जे असीं देखिए कि हर घर दे विच लक्ष्मी वास करे, इस मुहिम दे नाल असीं ये दीवे तैयार कीते हैं। मिट्टी दे विच लक्ष्मी वास नहीं करती, ते गोबर दे विच लक्ष्मी वास करती है, इस करके हर घर सुख समृद्धि दे नाल रहे और लक्ष्मी उस घर च वास करे, इस करके असीं ये दीवे बना रहे हैं। मिट्टी का दीवा बाद चों यूज़ करन तो बाद उत्थे ही पिया रहिंदा है, ये सारे का सारा दीवा जल जाता है। जे ना भी जले तो इसनों असी गमले च पा के उन्हों खाद दे रूप च भी उहदा लाभ लै सकते। ते तुसी कोई मैसेज भी देना चाहोगे इस बार दिवाली? वैसे भी लोगों के बड़ी उत्सुकता, क्योंकि पिछले साल कोविड महामारी के चलते दिवाली है जी फिक्की रही सी, सो इस बार लोग एक्साइटिड ने, पिछली बार की जी कसर है वह भी लगता कि इस बार सैलीब्रेशन कट देंगे, कि खास मैसेज देना चाहोगे जी? मेरा तो सब तो पहला परमात्मा अगे यही प्रार्थना है कि हर घर दे विच सुख समृद्धि प्रदान होवे और हर घर दे विच लक्ष्मी का वास होवे। मेरा यही है जिदा असी सारे मिल के हर त्यौहार नूं बड़े हर्षो उल्लास नाल मनाने हैं, इस बार भी इस त्यौहार नूं असी सारे मिल के हर्षो उल्लास नाल मनाइए, और गऊ दे दीवियां नूं अपने घर दे विच जलाइए और हर घर दे विच लक्ष्मी का वास होवे। ठीक है जी। सो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने गऊशाला दे उहनां नाल भी गलबात कर लैंदे आ, की नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम विनोद कुमार जी। बाबूशाही देखने वाले सारे दर्शकों नूं दिवाली दियां बहुत बहुत मुबारक जी, बहुत बहुत शुभकामनावां जी। जी विनोद जी, दसो कि होर बाकी गल्लां सारियां थोड़े साथियों ने दसियां, पहला तो ये दसो कि ये जिहड़ा प्रोसैस है थोड़ा तुसीं जिहड़ा शुरू कीते सीगे दीवे बनाउणे खास तौर दे, ये किन्ने साल हो गए इहनूं शुरू होए नूं? ये जी काफ़ी अज तो 4 साल पहला ना ये जिहड़े दीपक सीगे गुजरात और महाराष्ट्र दे विच बनाए जांदे सी, ते उत्थों साडे मित्र ने वह भी बड़ी गऊशाला चलांदे ने, ते उन्होंने सब तो पहला यह उपराला किया भी वह जिहड़े दीपक बनांदे सी वह खाली गोबर के दीपक बनांदे सी, ते पिछले 4 सालों तो असी भी बना रहे हैं सी, इहदे च एक्सट्रा एक ऐड करते हैं कि जिन्नी हवन समगरियां हुंदियां साडे वातावरण नूं स्वच्छ रखदियां वह चीज़ा असी ये शामिल करी हैं, जिदा जटामासी है, गूगल है, लोबान है, पीली सरसों है, जिहड़ियां कि आपां हवन करते हैं जदों भी आपां देवताओं का आह्वान करते हैं, तो असी वह समग्रियां सारी मिक्स करते हैं। एक तरह का ये जो दीपक जो आप घर के जगाओगे
जिहड़ा इह दीपक है वह गऊ माता दे गोबर का बनया है, स्वच्छ गोबर का। और गऊ माता साडे ग्रंथां दे विच यह हैगा कि गऊ माता जिहड़ी है उहदे विच 33 कोटी देवतां दा वास है, तो गऊ माता का जिहड़ा गोबर है उहदे विच माता लक्ष्मी जी का वास हुंदा है। असी जदों धनतेरस से और उस दीपावली से पूजा करते हैं तो असी जद भी वो करते हैं असी उस चीज़ के माता लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, तो जिहड़ा गोबर है इहदे विच माता लक्ष्मी जी का वास है। और ये जिहड़ा अज डेंगू वर्गी महामारी चल रही है उहदे विच मच्छर हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पुराने समय के साडे पूर्वज जिहड़े सी इस इन चीज़ों नाल जदों भी कोई पूजा पद्धति करते तो वो सब तो पहला तो गोबर नाल लिपाई करते, फिर असी अपनी पूजा विधि जिहड़ी है वह शुरू करते। उस दे विचों साडा यही मकसद है कि लोगों नू वध तों वध जोड़िए। चंडीगढ़ वर्गा शहर है, सारा पक्का है, कच्चा नहीं है, तो किसी रूप दे विच लोगों के घर दे विच गोबर जावे ताकि उन्हां दे घर दे विच जिहड़ी लक्ष्मी है वह वास करे। तनावपूर्ण घरां दे विचों जिहड़ी इह शांति बनी रहे वो चीज़ों के वास्ते असी यह एक नवा उपराला किया। तो आने वाले समय के गडकरी जी ने एक पेंट लॉन्च किया वैदिक पेंट जिहड़ा कि गोबर नाल बनाया जा रहा है। असी उहदी मशीन की भी भाल कर रहे हैं, जदों सानूं मशीन मिल जाती है असी उरे वैदिक पेंट बनावांगे ते लोगों नूं घरां च दवांगे। तुसीं देख रहे हो जिहड़ा इस समय के वातावरण बनया है, लोग दीपावली दे विच भी अपने घरां नूं रंग रोगन करते हैं, वधिया चमकांदे ने, ते असी चाहवांगे भी वैदिक पेंट जिहड़ा है असी उह लोगों नूं प्रोवाइड कराइए ते लोग वध तों वध उहनां चीज़ां का इस्तेमाल करन। इस किन्ना चीज़ां का बनया होगा जिहड़ा पेंट तुसीं गल कर रहे हो, किवें खास होगा जी? वो पेंट रहेगा जी चूने का। सब तो पहला तुसी पुराने समय से देखोगे भी चूने की इटा के नाल साडे घर बनते सी, जिहड़े अज भी 200-250 साल हो गए हैं इदां ही इमारतां खड़ियां ने। तो जिहड़ा वैदिक पेंट होएगा उहदे च 70% मात्रा जिहड़ी है वह गोबर की रहेगी, 20% चूने की रहेगी, 10% कुछ होर समग्रियां उहदे च मिक्स करके वह बनाया जाएगा। तो उहदी जिहड़ी मशीन है और वह विज्ञानिक तौर पर भी इन्ना को चीज़ा होंगी तुसी देख रहे हो जिहड़ा इस समय के पेंट करते हैं तो घर के अखा के चुभदा, एलर्जी हो जाती है, बच्चों असी अंदर नहीं बाड़ सकते, बड़ा ज़्यादा नुकसान करता। जदों वह पेंट आएगा ना वो देखोगे तुसी बिल्कुल नैचुरल होएगा, भी नैचुरल चीज़ों वाल सानू जाना ही पेगा। असी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, असी इनवायरमेंट नू बचाने की गल कर रहे हो, किदां बचेगी? वह तो बचेगी गऊ माता दे नाल। जिहड़ी गऊ माता है वह पूरे विश्व की माता है, गऊ माता का गोबर का, गऊ माता का गौमूत्र का, गऊ माता के दुध की वैल्यू का सबनों पता है। लोग दुध की वैल्यू का इस समय पता लग रहा है, लोग भज भज दुध लै रहे हैं भी गऊ माता का दुध चाहिए। गऊ माता का गौमूत्र है जिहड़ा वह बहुत तरह दीयां बीमारियां दे विच उपयोग हो रहा है, लोग उन्हों लैके कैंसर तक दीयां बीमारियां जिहड़ी हैं उन्हां तो ठीक होईयां ने। इस समय असी लैके आए हैं कि गऊ माता के गोबर का एक सही उपयोग असी कर पाइए, वध तो वध लोगों के घर के चीज़ पहुँचा पाइए। और दिवाली वर्गा त्यौहार है, दीपां का त्यौहार है, ये असी कुछ हवन समग्रियां मिक्स कीतियां जिदे विच उन्हां दे घर का तनाव जिहड़ा है वह दूर हो जाएगा। करोना वर्गी महामारी ने पिछले साल भी दिवाली नहीं मना दिती, तो आने वाले समय के चीज़ा जिहड़ियां असी कोशिश करते हैं वध तो वध भी असी लोगों नू जोड़िए। साडा मकसद है गऊशाला नाल लोगों नू जोड़ना, इस करके असी जिन्नी भी चीज़ा बनाते हैं वह चीज़ा असी फ्री देंदे हैं, तो ये साडा मकसद है गऊशाला सैक्टर 45 का, भी असी वध तो वध लोगों नू उरे जोड़ पाइए और लोग आन। धनतेरस का बड़ा शुभ दिन है, दिवाली है, छोटी दिवाली है, वड्डी दिवाली है, उहदे विच ये लैके जाण ते अपने घर दे विच पूजा पद्धति दे विच ये शामिल करन और वध तो वध जिहड़े लोग ने उह गऊशाला नाल जुड़न और लोगों के घर के गऊ माता के गोबर जिहड़ा है पवित्र है वह अपने घर इस चीज़ का इस्तेमाल करन। चाइनीज़ लड़ियाँ, चाइनीज़ दीपक, मिट्टी के दीपक सुने होने हैं, लेकिन इस समय यह जिहड़ा दीपक है सब तो नवा हैगा वह हैगा गोबर का दीपक। ऑनलाइन वैबसाइट पर आप जाके देखो भी ये इन्ना महंगा बिक रहा है, लोगों तो डिमांड पूरी नहीं हो रही। एमाजोन पर जाओ, फ्लिपकार्ट जाओ, एक एक दीपक 40-40, 50-50 रुपए का बिक रहा है। साडा मकसद फ्री च देन दा इन्ना की है कि लोग जिहड़े ने गऊशाला दे नाल जुड़न, ते थाडे दर्शक थाडे टीवी राही देखते हुए जिन्ने भी गऊशाला पूरे भारत वर्ष दे विच ने असी ये चाहवांगे भी वह भी इहो जे नवे उपराले करन ता कि लोग उन्हां नाल जुड़न। तो सरकारां दी सानू मदद की लोड़ ही नहीं, गऊशाला असी अपने जिहड़ी भी ऑर्गनाइजेशन चलाएगी अपने सिस्टम तो वह गऊशाला चला सकती है। और गऊ माता के गोबर की वैल्यू जिस दिन पैगी, जिस दिन वो वैदिक पेंट आ गया, 5-7 रुपए किलो गोबर ही गऊ माता का विकन लग गया, एक गऊ माता एक दिन के 15-20 किलो गोबर दिंदी है। अगर वो चीज़ा समाज के जदों उन्हों की वैल्यू पैगी
एक भी गौ माता थानू रोड ते नजर नहीं आएगी। विनोद जी जांदे जांदे ये भी दस दो, चंडीगढ़ के लोग आते ने दीवे लैन खा दूरों दूरों आते हैं चंडीगढ़ों, होर भी किसी शहर तो कोई आते हैं जो कोई आले दुआले कोई लोगों को पता लगता हो इतों का? आ पूरा जी ट्राई सिटी पंचकूला हरियाणा दे विच पैंदा, मोहाली पंजाब दे विच पैंदा, सारी जगह तो लोग देख देख के आ रहे ने भी आ नवा उपराला है, एक तरह का नवी चीज़ है, हर कोई चाहता है दिवाली पर कुछ नवा करिए, दिवाली पर कुछ नवी चीज़ लैके आइए जिदे नाल उन्हां दे बच्चे आकर्षित होण, वो चीज़ा सारिया चीज़ा उन्होंने नाल जुड़न, भी लोग यही चाहते हैं भी दिवाली के समय के विच वध तों वध उन्हां नाल उन्हां दे घर दे विच कोई नवी चीज़ लैके आइए, बच्चे आकर्षित होण। ये जिहड़ा दीपक है इहदी बस इक्को ही चीज़ है भी ये जिहड़ा दीपक है पूरा का पूरा जलेगा। ये दर्शकों नूं असीं थोड़ा जिहा दसना चाहते भी जदों भी यह दीपक जगाना है, ये घी पाना है या तेल पाना है, ये थले प्लेट लगा लेनी है, क्योंकि यह दीपक सारा का सारा जगेगा। उस तों बाद जिहड़ी इहदी राख होएगी, पुराने समय च बर्तन धोण दे काम आउंदी सी, अज तुसीं उहनूं खाद दा रूप भी दे सकदे हो, अपने गमले क्यारियां दे विच उहनां नूं पा के आप जी उहदा इस्तेमाल कर सकदे हो, पूरा का पूरा वातावरण के अनुकूल है। और एक वेस्ट चीज़ जिहड़ी गौ माता की वेस्ट है वह कितने उपयोग नहीं आती सी, उहदा असीं मकसद रखिया भी इहदा किसी सही तरीके नाल इहदा उपयोग च लियाया जाए, और उहदा बहुत ज़्यादा हुंगारा मिल रहा है। आप जी देख सकते हो भी किन्नी संख्या दे विच लोग आए ने, सवेर तो लैके शाम तक हज़ारों संख्या दे विच लोग लै गए ने दिए, तो कल छोटी दिवाली है, परसों दिवाली है, तो इदा ही सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिहड़े साडे कोल आणगे, और साडे वल्लों इह गऊशाला सैक्टर 45 वल्लों लोगों नूं उपहार एक भेंट स्वरूप उपहार दिता जा रहा है दिवाली का, कि लोग आन लैके जाण ते अपने घरां दे विच इह जगाण, ताकि उन्हां दे तनाव मुक्त होवे, बीमारी मुक्त रहन, स्वच्छ दिवाली, हरियाली दिवाली जिहड़ी आपां कहिंदे आ, इह सब तों हरियाली दिवाली है जिहड़ी इहदे नाल होएगी। सो खास तरह के दीवे ने लोग चंडीगढ़ के जिहड़े लोग ने आके इत्थों लै रहे ने, तो किवें उन्हां नूं पता लग्गिया, किवें फील कर रहे ने, गलबात करांगे। मैम कित्थों आए हो तुसीं? हम चंडीगढ़ से ही हैं। तुसीं थोनू पता किवें लग्गिया कि इस गौशाला दे विच खास तरह दे मिलते हैं, तो हम हर साल यहाँ लेने आते हैं। ठीक है। सो तुसीं पहला जिहड़े आपां मिट्टी दे यूज़ करदे सीगे उह वी तुसीं कीते होणे, इहदे विच की थोनू स्पैशल लगदा है, किवें बाकियां नालों थोनू डिफरेंट लगदे है? एक तो घी में बनते हैं, घी का जोत जलाते हैं और गोबर के बने होते हैं, और फिर बाद में फिर यूज़ हो जाते हैं, गमले में डाल देते हैं, इसलिए हम इसे लेते हैं जी। तुसीं दसो मैम, जिवें ये दस रहे ने इन्हां ने लए ने स्पैशल ने, इस बार एक्साइटमेंट किन्नी सी, क्योंकि पिछली बार जिहड़ी दिवाली सी फिर भी फिक्की रह गई सी कोविड के चलते, इस बार एक्साइटमेंट किवें, तुसीं स्पैशल आए हो लैण दीवे? हाँ, पिछली बार कोविड की वजह से एक डर ही था कि निकल नहीं पा रहे थे लोग ज़्यादा, इस बार आप मार्केट्स में भी देखोगे और मंदिरों में वो बहुत ज़्यादा रश है, तो यहाँ पे हर साल मैं आती थी इसको लेने, पिछले साल नहीं आ पाई थी कोविड की वजह से, इस बार और फिर सोचा कि इस बार जाते हैं वहाँ पे लेते हैं। गोबर के बने होते हैं, प्योर होते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा घर वाले भी प्रेफर करते हैं, ऊपर से कार्तिक मास चल रहा है, तुलसी के पास भी दिए लगते हैं, दिवाली पे भी लगते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा ये शुद्ध माना जाता है हमारे घर में जी। शुक्रिया। खास तरह के जिहड़े दीवे ने वह थोनों असी दिखाए ने तस्वीरां दे राही दिखाए ने, किवें दीवे बनते ने, तो की इन्हां दी इंपोर्टेंस हुंदी हैगी है, गलबात भी कीती हैगी है, जिहड़े लोग लगातार इन्हां दीवियां नूं दिवाली दे त्यौहार करके लैण आ रहे ने। सो उम्मीद करते हैं कि खास तरह के जिहड़े दीवे ने चंडीगढ़ की इस गऊशाला दे विच हर साल बनाए जाते हैं, इस बार भी बनाए जा रहे हैं वड्डी गिणती दे विच, तुहानूं जरूर पसंद आए होणगे। बाबूशाही की पूरी टीम वल्लों तुहानूं सारयां नूं दिवाली दीआं बहुत बहुत मुबारकां।